हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूँ सुगम और मेरे चैनल पर फिर से एक बार आपका स्वागत है। तो आज मैं बहुत ही अच्छा सा टॉपिक लेके आई हूँ और आई थिंक ये क्वेश्चन मेरा हर दूसरे सब्सक्राइबर का है, हर दूसरे व्यूवर्स का है। ये सुगम प्लीज़ हमें हेयर ग्रोथ के लिए कुछ बताएं और हेयर ग्रोथ कैसे हो रही है, कैसे हो, क्योंकि गर्मियां हैं, पसीना बहुत आता है, स्कैल्प बहुत ज़्यादा इचिंग हो जाती है और इस पसीने की वजह से हमें जू की प्रॉब्लम भी हो रही है, डैंड्रफ की प्रॉब्लम भी हो रही है, जिसकी वजह से हेयर फॉल बहुत हो रहा है और हेयर फॉल तो हो ही रहा है, साथ में हेयर ग्रोथ भी नहीं है। तो आज मैं आप लोगों के साथ एक ऐसी ही चीज़ शेयर करने आई हूँ, क्योंकि मुझसे बहुत से लोग कहते हैं कि सुगम, मैं देखती हूँ कि आप हर 6 मंथ पे या हर 3 मंथ्स पे अपना हेयर कट लेते हो, तो फिर भी आपके बाल काफ़ी अच्छे से बढ़ते हैं, काफ़ी शाइनी रहते हैं, तो किस तरह से आप मैनेज करते हो? तो फ्रेंड्स, मैं आज आपको एक ऐसी चीज़ से इंट्रोड्यूस करवाने वाली हूँ कि मैं ऐसी क्या चीज़ अप्लाई करती हूँ अपने हेयर पे, जिसकी वजह से मेरा हेयर ग्रोथ काफ़ी अच्छा रहता है, मुझे प्रॉब्लम नहीं होती है कि मेरा हेयर ग्रोथ नहीं हो रहा है या फिर मेरी जो स्किन है हेड की वो बहुत ज़्यादा मतलब फ्रीजी सी रहती है, बहुत ऑयली रहती है, स्कैल्प पे बहुत पसीना रहता है, ऐसी प्रॉब्लम नहीं रहती, क्योंकि मैं एक ऐसा ऑयल यूज़ करती हूँ और जब मैं उस ऑयल के इंग्रेडिएंट से आपको इंट्रोड्यूस करवाऊँगी तो आपको भी लगेगा कि सच एक बार तो यूज़ करना बनता है, क्योंकि आप उसके गुड़ के जो बेनिफिट्स हैं, यानी कि जो भी चीज़ उसमें गुड्स हैं उसके बेनिफिट्स आप जानते हो, लेकिन आपको लगता नहीं कि हम ये ऑयल कहाँ से ले पाएँ या कहाँ से परचेज कर पाएँ। तो यहाँ पे मैं बात कर रही हूँ नेचर श्योर की हेयर ग्रोथ ऑयल की, और इसके जो इंग्रेडिएंट हैं, इसके इंग्रेडिएंट की वजह से ही मैंने इसमें परचेज किया है। इसमें त्रिपला है और इसमें जो है वो भृंगराज है, मतलब काफ़ी अच्छी अच्छी तिल का तेल है, काफ़ी अच्छी अच्छी चीज़ें हों, और ये जो क्या करता है, ये हमारे हेयर फॉल को बहुत अच्छे से रोकता है, डैंड्रफ से ट्रीट करता है, अगर आपको लीक की प्रॉब्लम है, अगर सबसे अच्छी बात है कि ये जो है हेयर ग्रोथ बहुत अच्छे से प्रमोट करता है, सबसे अच्छी बात इसकी ये है। और एक चीज़ और, इस ऑयल को मेरा लेने का सबसे अच्छा पर्पज़ ये था कि गर्मियाँ बहुत हैं, जब हम बाहर निकलते हैं तो हम अपने फेस पर तो सनस्क्रीन लगा लेते हैं, लेकिन हमारे बालों को सनस्क्रीन कोई नहीं है, लेकिन ये ऑयल जो है आपको धूप की किरणों से भी बचाएगा, यानी यूवी रेज को भी प्रोटेक्ट करेगा। और इसे लगाते हुए मुझे 4 to 5 मंथ हो गए हैं। आप मेरे हेयर, अभी आपने देखा होगा कि मैंने बहुत ही जल्दी हेयर कट लिया था और यहाँ तक मेरे बाल हो गए थे, जिन लोगों ने भी नहीं देखा है वो ब्लॉग जाके देख सकते हैं। देन उसके बाद फिर मेरे हेयर काफ़ी अच्छे हो गए हैं, नीचे से भी काफ़ी शाइनी रहते हैं, और इस हेयर को मैं वीक में 3 टाइम लगाती हूँ, और लगाने का तरीका क्या है, कैसे है, कितने का प्राइस है, वो अभी आपको वीडियो में बताऊंगी। लेकिन आप एक चीज़ मैं आपको बताना चाहती हूँ कि अगर आप कोई भी ऑयल लगा रहे हो, मैं यहाँ पे इस ऑयल की बात नहीं कर रही हूँ, अगर आप कोई भी ऑयल लगा रहे हो तो वीक में 3 टाइम अपने हेयर को जरूर नरिशमेंट दो, जैसे कि आप अपनी बॉडी को बॉडी लोशन से मॉइस्चराइज करते हो, फेस को क्रीम से मॉइस्चराइज करते हो, सेम उसी तरह आपको हेयर को भी मॉइस्चराइज करने की जरूरत है। बस रोज रोज केमिकल वाले आप शैम्पू यूज़ कर लेते हो, कंडीशनर यूज़ कर लेते हो, और कंडीशनर जैसे लोग बोलते हैं कि मैं कंडीशनर यूज़ करता हूँ, देखिए मेरे बाल कितने शाइनी हैं, कंडीशनर आप कहाँ से यूज़ करते हो ना, रूट पे तो यूज़ नहीं करते हो, रूट से दूरी पे यूज़ करते हो, देन उसके बाद आपके जो हेयर है वो सॉफ्ट होते हैं, लेकिन हमें अपने रूट्स को मजबूत बनाना है, हमें अपने रूट्स को नरिशमेंट देना है। जब रूट्स को नरिशमेंट देंगे तो ऑयल अंदर जाएगा, अंदर से हमारे बालों को एक नरिशमेंट देगा और हेयर ग्रोथ अच्छी होगी। और हेयर ग्रोथ का सबसे अच्छा काम, सबसे जो इफ़ेक्टिव है वो ये है कि ब्लड सर्कुलेशन काफ़ी तेज होना चाहिए, देन उसके बाद आपके हेयर लॉस नहीं होते हैं और जो हेयर ग्रोथ है वो बहुत अच्छी होती है। और उसके लिए आपको अपने हेयर पे मसाज करना बहुत इंपॉर्टेंट है, एनी ऑयल, लेकिन अगर आप एक पर्टिकुलर चीज़, यानी कि बहुत अच्छी इंग्रेडिएंट से बनी चीज़ का इस्तेमाल कर रहे हो तो वो काम दुगना कर देता है, इसीलिए मैं इस ऑयल को आप लोगों को प्रमोट कर रही हूँ। और मेरा पर्पज़ हमेशा ऐसे ही रहता है कि मैं आपके लिए नेचुरल चीज़ें लाऊं, और इस चीज़ की फिर एक खास बात मैं बाद में बता रही हूँ कि नेचर श्योर कंपनी की एक खास बात है कि ये किसी भी तरह का जो है फ्रेग्रेंस यूज़ नहीं करता, खुशबू यूज़ नहीं करता, जो भी नेचुरल चीज़ों की खुशबू होती है उस वही इसमें खुशबू रहती है, कोई भी एक्स्ट्रा वो परफ्यूम या कोई भी यूज़ नहीं करते हैं। नेचर श्योर की मुझे सबसे खास बात यही लगती है। तो चलिए एक छोटा सा क्लोज लुक दिखाती हूँ, मैं इसका प्राइस बताती हूँ, कैसे अप्लाई करना है, क्या अप्लाई करना है, तो चलिए दिखाती हूँ।
तो फ्रेंड्स ये इस तरह की पैकिंग में आता है नेचर श्योर हेयर ग्रोथ, और इसमें सारी चीज़ें लिखी हुई हैं कि आपको मैंने जैसे बोला कि प्रोटेक्ट हेयर फ्रॉम हार्मफुल यूवी रेज और पॉल्यूशन, पॉल्यूशन से भी आपको बहुत अच्छे से रहेगा, हेयर ग्रोथ करेगा, हेयर लॉस से आपको बहुत अच्छा करेगा, अगर किसी को हल्का फुल्का गंजापन है तो वो भी दूर करेगा, डैंड्रफ से आपको प्रोटेक्ट करेगा, अगर आपको जू है की प्रॉब्लम है उससे भी दूर करेगा, अगर आपको स्प्लिंट्स है यानी कि नीचे दो मुँहें बाल हो जाते हैं उससे बहुत अच्छे से प्रोटेक्ट करेगा, और साथ ही साथ अगर आपको वाइट हेयर की प्रॉब्लम हो रही है तो ये उससे भी लड़ेगा। साथ ही साथ जैसे मैंने बोला इसके इंग्रेडिएंट की बात की है, तो जो एक कॉमन है जैसे लोगों को भृंगराज पता है कि भृंगराज बहुत इफेक्टिव है, वो मैं आपको एक चीज़ बता रही हूँ, तिल का तेल है, त्रिफला है, बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें हैं, और प्राइस की बात करूँ तो 339 इसका प्राइस है, लिंक मैंने ऑलरेडी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, दो तीन चार पांच साइट्स मैंने आपको दी हैं जहाँ पे भी आप रीजनेबल, क्योंकि देखिए ये जो मैंने बोल दिया इट्स नॉट कि ये यही इसका प्राइस हुआ, आप एक बार क्योंकि ऑफर्स चला करते हैं हर साइट्स के अपने, तो एक बार वहाँ जाके चेक करिएगा, मे बी आपको इससे कुछ सस्ते रेट पर मिल जाए। और इसकी जो सेल्फ लाइफ है वो है 36 मंथ, और मैंने मैन्युफैक्चरिंग भी दिखा दिया, सितंबर 2018 की है, तो आपको काफ़ी दिन ये मिलने वाला है, और एक बार आप अगर इसे ट्राई करोगे तो आप इसके दीवाने हो जाओगे, ये मेरी गारंटी है। और अगर जिनको भी जैसे कि हेयर नहीं बढ़ते हैं, जिनको भी हेयर ग्रोथ नहीं हो रही है, या फिर वाइट बालों की प्रॉब्लम हो रही है, या फिर हेयर लॉस हो रहा है, मतलब ऑल इन वन पैकेज है ये आपका, अगर आपने इसे एक बार खरीद लिया तो काफ़ी अच्छे से चलेगा। इनर पैकेजिंग की बात करूँ तो मुझे काफ़ी क्यूट सी इसकी पैकेजिंग लगती है, और देख आप देख रहे हैं मैं इतना इसे ख़त्म भी कर, मतलब दो तीन चार बॉटल और लगा चुकी हूँ, लेकिन ये इस पैकिंग में इतना मैं कर चुकी हूँ ख़त्म, और काफ़ी अच्छा ऑयल है, सच में काफ़ी अच्छा ऑयल है, तो आप एक बार ट्राई जरूर करिएगा मेरे कहने से। सारे परचेज लिंक मैंने ऑलरेडी वीडियो के नीचे दिए हुए हैं, जाके देख लीजिएगा, और अगर आपने एक बार इसे सच में परचेज करके यूज़ किया तो सच में आप इसके फ़ैन हो जाओगे, और लगाना जैसे आप नॉर्मल लगाते हो वैसे आपको लगाना है, तो कुछ और गुड़ के बारे में इसको मैं बता, इतना इफेक्टिव है, अगर आपका हेयर लॉस नहीं होगा और हेयर बहुत तेज़ी से बढ़ेंगे तो आपका ये एरिया काफ़ी इफेक्टिव दिखेगा, आपका फेस काफ़ी सुंदर दिखेगा, और अगर आपके हेयर की प्रॉब्लम नहीं होती है तो फेस बहुत ही सुंदर दिखता है। और इस का मुझे नेचर श्योर की सबसे अच्छी बात यही रहती है कि ये काफ़ी अच्छे से वर्क करता है, आपका जो है इंक्रीजिंग ब्लड फ्लो बहुत अच्छे से करेगा आपके हेड पर, और आपका जो क्राउन एरिया है काफ़ी अट्रैक्टिव लगेगा, और इसमें बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो मैं अभी आपको शायद उतने अच्छे से बता भी नहीं पा रही हूँ, लेकिन पूरी कोशिश कर रही हूँ कि आप एक बार इसे यूज़ करिए। आई थिंक इसमें विटामिन ई है, कैल्शियम है, पोटेशियम है, मैग्नीशियम है, जो सारे इंग्रेडिएंट बनके एक वंडरफुल वर्क करते हैं आपके उस पर, और सबसे अच्छी बात है इसमें एंटी बैक्टीरियल एंड एंटी फंगल प्रॉपर्टी भी है, जो गर्मियों में अक्सर हो जाती है हमारे हेड पर इचिंग की प्रॉब्लम एंड ऑल, लेकिन ये उसको भी प्रिवेंट करेगा। एक बार खरीदना आपका बनता है, यूज़ करिए, देन उसके बाद मुझे इसका रिव्यू दीजिए, क्योंकि मैंने क्या मेरी फैमिली मेम्बर्स भी इसे यूज़ करते हैं, उन्होंने भी खरीद के जब मैं ये ऑयल यूज़ किया उन्होंने देखा तो उन्होंने भी फटाफट इसे परचेज़ किया, तो मैंने सोचा क्यों ना आप लोगों के साथ इसका रिव्यू किया जाए। अगर वीडियो जरा सा भी इंफॉर्मेटिव लगा हो तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ आप शेयर भी कर सकते हैं जिनको भी ये प्रॉब्लम हो, और चैनल अच्छा लगा हो तो जल्दी जल्दी सब्सक्राइब कर लीजिए। तो मिलती हूँ बहुत ही जल्दी एक नया वीडियो के साथ, तब तक।